तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, दैट वाज द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को किसी भी कैपेसिटर के इनसाइड इंसर्ट करता हूँ तो टोटल उसमें दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केसेस जिसमें कि हम लोगों ने प्लेट पे चार्ज को कांस्टेंट रखा है, उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया है, तो उसमें फिर हम लोगों ने वेरिएशन देखा था, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर किस तरीके से चेंज होता है। और इसमें एक स्पेशल केस आया था कि एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी का लॉस किस में जाता है, हीट में जाता है। फिर सेकेंड केस हाँ देखा था जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर को कांस्टेंट रखा था। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कैपेसिटर में इंसर्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो उस समय हम इसको बैटरी को कनेक्ट करके रखें, बैटरी से इसका ऑलवेज कनेक्शन बना हुआ था, और ये कनेक्शन बना हुआ है तो उसके कारण से इस पे चार्ज जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इस प्लेट पे जो चार्ज है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। घट तो नहीं सकता है क्योंकि के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, तो ऑलवेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे फिर उसके लिए हम लोगों ने सी का और क्यू का, वी का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चेंज देखा था क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई भी मीडियम डाला गया है, दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाला गया है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो दो चीज़ इसमें निकालेंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग निकालेंगे बाद में कि इसका नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मान लो कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इस जगह पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है डेट इज़ प्लस 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 माइनस 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 होगा। इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस ऑफ सिग्मा, और ऑफ कोर्स इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस ऑफ सिग्मा एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो पूछा गया तीन लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक ए पे और एक बी पे और एक सी पे। तो सॉल्व करके बताओ और निकालो कि ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, डेट इज़ डी। बताओ, देखो क्या होगा इसमें, मुझे तीन लोकेशंस पे निकालने हैं। तो फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, ए बी सी पे हम लोग निकालना चाहते हैं। देखो जिस भी जगह पे मीडियम है उस जगह पे बस मुझे देखना होगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या पुट करना है ना। जैसे कि अगर मीडियम नहीं होता, बिल्कुल भी मीडियम नहीं होता, तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल कर रखा है, डेट इज़ ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीज़ होता है, हमें पता है। तो ए लोकेशन पे क्योंकि कोई भी मीडियम नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर मैं बी लोकेशन पे आऊँगा तो बी लोकेशन पे क्योंकि मीडियम आ चुका है और मीडियम के अंदर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये बी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट अब कितना बन जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि के का वैल्यू होता क्या है, के इज़ बेसिकली एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और सी लोकेशन पे कोई भी मीडियम नहीं है तो सी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन सी इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इज, एप्सिलॉन नॉट हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे अब मैं आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज एक्स डिस्टेंस के साथ। तो ये हमारा कैपेसिटर है और बीच में दे दिया गया है डाइलेक्ट्रिक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी।
तो कुछ डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, विच इज़ ई ए, और फिर इतने से डिस्टेंस तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन है छोटा, जो कि ये वैल्यू है। के का वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन वन ही होता है, ग्रेटर देन तो वन ई भी क्या हो जाएगा? छोटा। फिर ई सी जो है और ई ए है वो दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इक्वल और यहाँ से यहाँ तक भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये हो जाएगा ई ए। और जब इस लोकेशन तक पहुँच जाएंगे तो फिर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, और जितना भी लेंथ होगा किसका, डाइलेक्ट्रिक का, उतना दूर तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में चेंज करेगा। अब मुझे निकालना है इसमें कि पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से उस जगह पे चेंज कर रहा है, लेकिन अब मुझे देखना है कि वो पोटेंशियल किस तरीके से चेंज करेगा। अब देखो, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? बोलो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यू बाय डिस्ट सी अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, याद होगा तुम्हें, डेट डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये होता है। और इसी में मैग्नीट्यूड ले लूँ मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट एज्यूम कर लूँ, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू हो जाता है ई इंटू डी, आया ना? अब क्योंकि इस जगह पे मीडियम है, इस जगह पे मीडियम है ना, और मैं एक्स को इस तरफ से ले रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, जनरली पोटेंशियल जो है इधर भी ज़्यादा मानते हैं, लेकिन मैं इस तरफ ज़ीरो अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ मेरे को अच्छा सा बनाना है इसीलिए, और इस तरफ वी अज्यूम कर रहा हूँ, और इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ वाई एक्सिस, और इसे एज्यूम कर रहा हूँ एक्स एक्सिस, ताकि मैं कोऑर्डिनेट ले पाऊँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला है मैंने, पोटेंशियल बोला है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मेरा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? ज़ीरो से लेकर के वी तक पहुँच जाएगा। से भी इतना इसका मतलब ज़ीरो से लेकर के, जब मैं एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे था तो ज़ीरो होना चाहिए, और जब मैं एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ पे, डी पे, वहाँ पे कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। और ये चीज़ कैसे पहुँचेगा, तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अगर मेरा डी एक्स बन जाए तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू एक्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर अभी निकल गया था जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे कांस्टेंट है। अब अगर मैं इस जगह पे वन वाले फील्ड में होऊंगा, फर्स्ट वाले रीजन में रहूंगा, तो मुझे डेल्टा वी कितना निकलेगा? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स होगा, और डेल्टा वी क्या है? इस लोकेशन का पोटेंशियल और इस लोकेशन का पोटेंशियल, वो ज़ीरो हो गया इस लोकेशन का, तो सिर्फ वी बोलूँगा मैं, वी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। तो ये कैसा ग्राफ दे रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रहा है, बराबर। सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, हाँ सेकेंड वाले के लिए क्या होगा? सेकेंड वाले के लिए बोलो, डेल्टा v इज इक्वल्स टू फिर से
ई इंटू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेकंड वाले रीजन में कितना है, सिग्मा बाय के इंटू एप्सिलॉन के नॉट उसमें। इंटू एक्स। और मैं अगर इस पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में इस लोकेशन का पोटेंशियल देखूंगा तो वो आ जाएगा वी इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो इस बार भी हमारे पास एक लीनियर रिलेशन आया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, जिसमें ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन स्लोप पहले वाले से ज़्यादा होगा या कम। स्लोप को कंपेयर कम करो, किसका स्लोप ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का यस है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला जो केस है वो एग्जैक्टली सेम केस है फर्स्ट के जैसा, क्योंकि इसमें भी वही काम होने वाला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। और इस जगह से अगर मैं एक्स लिया हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होगा इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। अब ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आई, तो इस जगह पे हम लोग चलेंगे ज़ीरो से, है ना, यहाँ से चला ज़ीरो पोटेंशियल। अब कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि ये डिस्टेंस हम लोग क्रॉस नहीं कर जाते। और फिर जब यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो अब स्लोप हो जाएगा कम, क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा है, ऐसा जाएगा। और वापस से अब ये बढ़ जाएगा क्योंकि सेम स्लोप होना है, तो सेम स्लोप हो जाएगा ऐसा। एक मिनट, ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये यहाँ तक पहुँच गया और अब सेम स्लोप होगा इसके जैसा, ये ऐसा सेम स्लोप का बन गया। ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये फाइनल हमारा ग्राफ बना इसके लिए। तो इस चीज़ को याद रखना कि किस तरीके से हमारा चेंज हुआ है अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई भी मीडियम बीच में आया तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो हमारा पोटेंशियल चेंज हो गया। दो चीज़ें हैं, अब मैं इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब एडवांस लेवल के बनते हैं तो फिर उसमें हमें यही सब काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किस तरीके से पोटेंशियल चेंज हुआ और चेंज होगा किस तरीके से। तो अगर इसको तुमने ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम करा है, इसको वी पोटेंशियल एज्यूम करा है, और ये चीज़ हमारा एक्स है, तो पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ ऐसा होगा, ये डायरेक्ट ऐसा होगा, क्योंकि इसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माना है। इस तरीके के ग्राफ देने का मतलब ये हो गया कि तुमने एक्स इस तरफ माना है और इस तरफ वी एज्यूम किया हुआ है, इसका मतलब ये है। तो जब तुमने इंसर्ट कर दिया तो वापस से ये जो स्लोप है सभी का चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा उसको समझना, हमें अभी भी ज़ीरो से वी तक ही पहुंचना है। अभी भी मुझे कहां से कहां तक पहुंचना है, ज़ीरो से वी तक पहुंचना है, लेकिन स्लोप बीच में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है, ऐसा करके एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, विच इज एक्स एंड दिस इज पोटेंशियल वी, और तुमने इसको ज़ीरो बोला और इसको वी बोला है,
अगर वी और जीरो इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो ये ग्राफ भी इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना, गलती नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा स्लोप, उसके बाद फिर कम स्लोप, उसके बाद फिर वापस से उसी जगह पे पहुंचना है तो ज़्यादा स्लोप। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो तुमने क्या किया, दो पॉइंट चूज किए, ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज किया, इसको जितना डाउन किया उतना ही इसको अप किया और इसका स्लोप चेंज हो गया। और इसका स्लोप जो है किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्लोप को कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारा तीन चार मीडियम भी डाला जा सकता है, K1, K2, दो अलग अलग मीडियम डाल दिया। जैसे कि देखो मैं एक और क्वेश्चन बना दूंगा, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अभी, क्योंकि मैंने समझा दिया है तो तुम्हें अच्छे तरीके से आंसर आएगा। क्या दिया गया, दो डाइलेक्ट्रिक डाला गया, एक K1 है और एक K2 का। ये K1 है और ये K2 का डाइलेक्ट्रिक डाला गया। K1 इज ग्रेटर देन K2, तो इसमें V एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने बोला गया। तो बताओ वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा, कर सकते हैं क्या तुम लोग, करके हाँ बताओ जल्दी सर, से। हाँ अच्छा, इस जगह पे जीरो एज्यूम कर लेना और इस जगह पे वी एज्यूम कर लेना। बिल्कुल सिंपल है, मुझे के दे रखा है, 1 इज ग्रेटर देन K2 दे रखा है, तो K1 अगर ज़्यादा होगा तो स्लोप उतना कम होगा, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा था डेट स्लोप वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, बराबर। तो मैं इस रीज़न को ये इस जगह से इस जगह तक बनाऊंगा, तो स्टार्टिंग में जो जाएगा वो कैसा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसा, और फिर यहाँ पे सबसे कम स्लोप होगा, फिर यहाँ पे सेम स्लोप, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर सेम स्लोप पहुँच के इस जगह पे जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ज़्यादा स्लोप, ये सबसे कम स्लोप वाला रीज़न, फिर ये जो स्लोप यहाँ पे है वो सेम स्लोप वाला रीज़न, फिर थोड़ा इससे ज़्यादा स्लोप होना चाहिए ऐसा, और फिर अब सेम स्लोप ऐसा। तो इसमें तुमसे क्या कंपेयर कराया जा सकता है, थीटा कंपेयर कराया जा सकता है, कि जो हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा है उसको कंपेयर करो और बताओ कि सबसे ज़्यादा किसके लिए। एक सिंपल सा चीज़ अगर तुम्हें दिया जाए करने के लिए तो आराम से किया जा सकता है, इसके लिए थीटा होगा, इसके लिए भी थीटा ही होगा, और ये भी थीटा ही होगा, ये होगा थीटा 1 और ये होगा थीटा 2। तो ऑफकोर्स अभी तो हमने बना दिया तो हमें पता चल रहा है कि थीटा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और यही सेम रिलेशन स्लोप में भी बोला सकता है, जो स्लोप होगा वो सबसे कम 1 वाले का होगा और सबसे ज़्यादा फ्री स्पेस वाले का होगा। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके से, ग्राफ दिया गया था और फिर पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना होगा और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ पूछा गया था। तो अब कैपेसिटेंस निकालते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक में, या फिर इन मीडियम, या फिर बोल दो, या फिर आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक एक मैंने इंसर्ट कर दिया है कैपेसिटर के इनसाइड, और फिर मुझे निकालना है कि कितना होगा इसका कैपेसिटेंस। तो एक कैपेसिटेंस हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है कि अगर पूरा का पूरा
डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए और तब निकालूं मैं। तब तो इसके लिए हम लोगों ने आराम से देख लिया था डेट सी डैश वाज के टाइम्स ऑफ सी विच वाज इक्वल्स टू के इनटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो ये हमारा सी निकल के आया था कैपेसिटेंस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा फिल करके दे, हो सकता है वो कम फिल करे, है ना, और आधा स्पेस फिल करे, छोटे से डिस्टेंस के लिए फिल करे, बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इसका मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला जो है वो तुम्हें मेथड यूज़ करना है, एक जनरल मेथड है, कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा जो मेथड मैं बताऊंगा डेट विल बी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो पहले मेथड से तुम्हें जनरली इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा, ये याद रखना। तो क्या करा हमने, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला इस रीजन में, और कोई सा भी कैसा भी मीडियम आ जाए ऑलवेज हमें इसी तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। सभी को ये ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज इसी तरीके से प्रूफ करेंगे जिस तरीके से मैं अभी मेथड वन में करने वाला हूँ। तो मेथड वन, और ये है हमारा डिस्टेंस डी, और इस जगह से बहुत सारे इसमें डिस्टेंसेस हो गए। इस जगह से डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि टी वन है, और इस जगह से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस है टी टू, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली टी, ये टी है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, फ्री स्पेस है, और तुम्हें बताना है कि सी कितना होगा। इस प्लेट का जो एरिया है डेट इज क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। अब मुझे बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जीरो और वी पोटेंशियल इसमें डिफाइन कर लेता हूँ। तो इस जगह को मैं बोल लेता हूँ लेट से वी पोटेंशियल, और इस जगह को बोल लेता हूँ मैं जीरो पोटेंशियल, और उसके बाद फिर मैं अब इसको डिराइव करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसमें तीन पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस V3, V2 एंड V1, और तीनों का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये टोटल मैग्नीट्यूड के समेशन के बराबर होगा। और अब क्या कर लें, V1 V2 V3 को निकाल लेते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू, बताओ जल्दी से, ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा E1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो E1 कितना है, E1 इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज T1, ये हो जाएगा V1। सेम वे में V2 कितना बोलूंगा, बोलो, V2 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, सॉरी टी ऊपर हुआ, ये V2 हो गया, और V3 कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू T2। सो V3 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू T2, ये V3 आ गया, अब ये V3 आ गया। अब इन सभी के वैल्यूज को पुट कर लो, हमें T के टर्म्स में आंसर लाना है, ठीक है। T1 और T2 को अगर रिप्लेस हो रहा हो तो रिप्लेस कर देंगे। सो V इज इक्वल्स टू V1 विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट T प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू T2। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो कॉमन आ जाएगा T1 प्लस T2, ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 कितना होगा, D माइनस ऑफ T, आया ना। सर ठीक है, सो दिस इज वी।
ये हमारा वी निकल करके आ गया, डेट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ता है, अगर हमें ये चीज़ निकल जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला पता है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी होता है, सो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। हर एक जगह पे कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालना होता है तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये वी का वैल्यू पुट कर लेता हूँ नीचे, कितना आ जाएगा यहाँ से तुम सिग्मा बाय एप्सिलॉन पूरा ही कॉमन ले लो, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन अगर पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा डी माइनस टी, और क्या बचेगा, टी बाई के, सही है क्या, और यहाँ पे बचेगा हाँ क्यू। सर, अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही क्यू को ही पुट कर लो, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ए लिख सकते हैं, है ना, सिग्मा इन टू ए। तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा, सी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी डिवाइडेड बाय के। तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आया कैपेसिटेंस का। अब इससे दो बातें साफ साफ क्लियर हो जा रही है, मैं भी बता रहा हूँ दो बातें कौन कौन सी है। पहला ये कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम तुम किस लोकेशन पे पुट किए हो, ये इस बात पे मैटर नहीं करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि तुमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम किस जगह पे पुट किया है। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर तुमने इस जगह पे भी पुट किया होता तो भी हमारा जो कैपेसिटेंस है सेम आता, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे हर एक क्वेश्चन में। दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। अगर इसी को मैं ब्रेक कर दूं दो पार्ट में तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दो चीज का समेशन है। अब कैसे वो हम लोग देखते हैं, तो सेकंड मेथड पे आते हैं हम लोग, सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड के तरीके से ही हम लोग अब क्वेश्चन को किया करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा दे दिया कि ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया है, और थिकनेस जो है डेट इज़ टी है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो सब गिवन नहीं होता है, डायरेक्ट तुम्हें कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए दिया जाता है, और बस इतना बताया जाता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो फाइंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग वापस से चेंज करेंगे और चेंज करके एक नया सिस्टम बनाएंगे, और सिस्टम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें हमने क्या कर लिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को थोड़ा सा साइड कर दिया और उसको मैंने इस जगह पे ला के रख दिया। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट को मैंने थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, स्लाइड करके एक तरफ कर दिया, और एक तरफ करने से बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि मैं इसको दो इंडिविजुअल कैपेसिटर में
ब्रेक डाउन कर पाऊंगा, है ना, दो अलग अलग कैपेसिटर में इसको ब्रेक कर पाऊंगा। तो पहला कैपेसिटर कौन सा बनेगा? पहला कैपेसिटर वो होगा जिसका थिकनेस होगा डी माइनस ऑफ टी, और दूसरा कैपेसिटर वो होगा जिसका थिकनेस होगा स्मॉल टी। ठीक है, दो तरह के कैपेसिटर बनेंगे, और फिर इसको ब्रेक डाउन करके और वापस से हम लोग उसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो ये वाला जो थिकनेस हो जाएगा डेट विल बी डी, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज टी, और ये कितना हो जाएगा, डी माइनस ऑफ टी। -T, हाँ अब इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ और दो इंडिविजुअल कैपेसिटर में ब्रेक कर लूँगा। तो एक कैपेसिटर जिसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसका थिकनेस कितना है, डी माइनस ऑफ टी है, और एक कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है और उसका थिकनेस कितना है, स्मॉल टी। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक जेई के क्वेश्चन के लिए हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे, सारे जेई वाले क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और सभी के आंसर काफ़ी इजी वे में आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे डिफरेंट वेरिएशन में। अब इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। सी वन का वैल्यू कितना होगा बोलो? सी वन विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। अब इन सभी में वैल्यू पुट बस पुट कर लो, तो सी वन विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, मीडियम नहीं है एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है दोनों प्लेट का, डिवाइडेड बाई डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दम टू, डी को लिखूंगा मैं डी माइनस ऑफ टी। और सी टू कितना हो जाएगा, सी टू विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के जगह पे के एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज टी। अब सी वन और सी टू किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू। अब वैल्यू पुट कर लो इस जगह पे और देखो किस तरीके से आंसर आता है, वन बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन बाय सी वन विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस ऑफ टी, और प्लस वन बाय सी टू विच इज एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। तो ये अगर जब पैरेलल में तो हम वो करते हैं ना C1 प्लस C2, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज सीरीज में है ना, तो सीरीज हाँ में है सर। तो कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात क्लियर है क्या? यस सर, सीरीज हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर हमारा जो चार्ज फ्लो किया है दोनों में सेम किया है तो दैट कैपेसिटर विल बी इन सीरीज, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों कैपेसिटर के क्रॉस सेम हो तो वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। इस कॉन्सेप्ट को अरे एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो, अदरवाइज आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें भी तुम्हें गलतियाँ आएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए, और मैं टी को ऊपर कर लेता हूँ और के को भी ऊपर कर लेता हूँ, देखना क्या लिखूँगा, टी डिवाइडेड बाय के लिख सकता हूँ क्या, नीचे से के को हटा देता हूँ मैं, सही है? तो अब इसको समेशन करते हैं, और ये वन बाय सी इक्विवेलेंट है और दोनों को ऐड कर लेते तो नीचे कितना कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये बनेगा डी माइनस टी और प्लस टी डिवाइडेड बाय के बनेगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वन अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो हमारा अब सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी और प्लस टी बाय के। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया और काफ़ी इजी वे में आया, तुमने बस क्या किया,
सीरीज पैरेलल का एक फॉर्मूला लगा दिया और उसी से ही आंसर आ गया। अभी तुम्हें देख रहा हो, देख के लग रहा हो कि ये काफ़ी लेंथी सा लग रहा है सर, ये कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा होंगे। अभी मैं वैल्यूज़ वगैरह दूंगा तो तुम्हारा काफ़ी हद तक कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा और काफ़ी इजी वे में आंसर भी निकल के आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला मतलब जनरल फार्मूला, जिसमें कि ढेर सारे अगर तुम्हारे डायलैक्ट्रिक वगैरह डाले गए हैं तो फिर सी इक्वलेंट कैसा निकालेंगे। सो सी इक्वलेंट का फार्मूला जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, अगर दो डायलैक्ट्रिक डाला गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। मान लो दो या तीन या चार कितने भी डायलैक्ट्रिक डाले जा सकते हैं। इसका के वन है, इसका के टू है, थिकनेस जो है इसका टी वन है और इस वाले डायलैक्ट्रिक का टी टू है, और डिस्टेंस बिटवीन देम अभी भी डी है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए ही होगा हर एक का। तो कितना लिखूंगा, डी माइनस ऑफ टी, टी के जगह पे क्या लिखूंगा, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर जितने तक हैं, उसके बाद प्लस और टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू प्लस टी टू बाय टी थ्री बाय के थ्री अप टू सो ऑन जितने भी सारे होंगे। तो दिस इज सी इक्विवेलेंट का फार्मूला, तुम याद रखना चाहो तो रख सकते हो और डायरेक्ट इसको लगा करके हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है कि डायलैक्ट्रिक तुमने किस लोकेशन पे रखा है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि दो डायलैक्ट्रिक डाला गया, एक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है और दूसरे का है 2K, और जो डिस्टेंस दिया गया, दिस डिस्टेंस इज डी बाई थ्री, डी बाई थ्री, और टोटल डिस्टेंस है डी, टोटल डिस्टेंस है डी। तो इसका सी इक्विवेलेंट जल्दी से निकाल के बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सभी कोई। तो इसको तीन पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, डेट विल बी सी वन, सी टू, सी थ्री, इस तरीके से। तो पहला कौन सा हो जाएगा जिसमें, अच्छा डी डिस्टेंस टोटल है और डी बाई थ्री, डी बाई थ्री दो दे रखा है, तो तीसरा डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई थ्री होगा, और इसको मैं एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई थ्री, और ये कितना हो जाएगा, डी बाई थ्री, और ये तीसरा हो जाएगा डी बाई थ्री। और इसमें है के, इसमें है 2K, और इस जगह पे कुछ नहीं है, तो सी वन, सी टू, सी थ्री। सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी के वैल्यू लिखूंगा मैं डी बाई थ्री, तो ये आएगा। सी टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी, तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी लिखना होगा, और सी थ्री कितना हो जाएगा, सी थ्री विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी, फिर से वही चीज़, लेकिन इस बार मुझे पुट करना होगा टू और थ्री से मल्टीप्लाई होगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब वन बाय सी इक्विवेलेंट लेना होगा, वन बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। अगर मैं सी टू और सी थ्री को एक साथ लूँ, तो सी टू और सी थ्री को एक साथ लेने पे, क्योंकि अब दोनों पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा, थ्री इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस थ्री। उस पूरे टर्म को मैंने मान लिया सी, तो ये हो जाएगा थ्री सी, ये कितना हो जाएगा, सिक्स सी, है ना। तो इसीलिए ये हमारा सी इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा नीचे नाइन और ऊपर हो जाएगा 18, तो टू सी आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसका सी इक्विवेलेंट निकल के आया है टू सी।
अब 2c इसके साथ जाएगा पैरेलल में, तो वैल्यू पुट कर लो, c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट a/d प्लस 1/2c। सी का वैल्यू पुट कर लो 2 k एप्सिलॉन ए बाय डी। तो अब सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा इसका, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर डी पुट कर लो तो हो जाएगा d/3 एप्सिलॉन नॉट a, और प्लस कितना आ जाएगा d/k और फिर 2 एप्सिलॉन नॉट a। सो सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे आंसर आ जाएगा, या फिर 3 को भी ऊपर ही ले लो, यहाँ से 3 हट गया और 2 को ऊपर ले लो, इस जगह पे 2 आ गया, और अब आ जाएगा epsilon a/d/3 plus d/2 के। आंसर किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, उसको हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इस बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरीके से रखा गया है, आधा डाइलेक्ट्रिक जो है ऊपर रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और आधा डाइलेक्ट्रिक जो है नीचे रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, 3 K2 = 3 एज्यूम कर लेते हैं, ये दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और ये जो डिस्टेंस है ये जस्ट आधे डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब आधा पार्ट नीचे आधा पार्ट ऊपर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो अब इसके लिए सी इक्विवेलेंट निकालना है कि कितना होगा। सॉल्व कर लिया सभी ने, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो तुम दोनों कैपेसिटर में क्या कॉमन चीज़ देख पा रहे हो? कॉमन चीज़ ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। अगर तुमने इस जगह पे जीरो पोटेंशियल माना और इस जगह पे वी पोटेंशियल माना, तो ऊपर वाला और नीचे वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेट वॉज सेम। और अगर ये सेम है तो ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में इस बार नहीं जा करके पैरेलल में जाएगा, इस तरीके से। समझ में आया क्या चीज़ है? तो ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक K1 है, और नीचे वाले कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कितना है? K2 है, दिस इज़ K2, और मुझे इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। सो दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C2। C1 और C2 का वैल्यू देख लेते कितना होगा। C1 कितना हो जाएगा epsilon नॉट a/d, और K1 का वैल्यू है 2 epsilon नॉट a। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया है तुमने? क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट तुमने आधा कर दिया है, ये जो एरिया होता है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको तुमने क्या कर दिया, आधा। समझ में आ रहा है क्या? और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा a/2, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम अभी भी सेम है तो उसको मैं d लिखूंगा। और c2 कितना हो जाएगा? c2 विल बी इक्वल्स टू k2 epsilon a/d। k2 का वैल्यू 3 epsilon नॉट a a/2 / d। तो ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा c2। तो इधर से c इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं, डेट c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू c1 प्लस ऑफ c2। सो c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा ये? 5 epsilon नॉट a/2d। आया था आंसर, हाँ है हाँ ना? सर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा मतलब ये सारे क्वेश्चन इजी ही बनेगा, मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दूँ इजी क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें। तो मान लो इस बार सर्किट कुछ ऐसा है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस तरीके से दिया गया है, तीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के
2K एंड 3K। चलो इसको करके बताओ। और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस डी है और सभी सिमेट्रिकल, मतलब ये डी बाई टू डिस्टेंस तक के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी आधा हो चुका है, ये सारी चीज़ गिवन है। ठीक है, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल के बताओ कितना आएगा। फाइंड सी इक्विवेलेंट। ओके, तो देखो इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सीरीज पैरेलल में जा रहा है ना। तुम्हारे पास इस जगह पे 1, 2 और 3 कैपेसिटर बनेंगे, है ना, और तीनों कैपेसिटर किस में जाएगा और किस तरीके से जाएगा ये चीज़ निकालना है। तो पहला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर किस में है? क्या मैं इस सर्किट को इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड? बोलो। अरे बोलो, यस ऐसा बना सकते हैं या नहीं सर। बना सकते, ये सही है या गलत है, ये सर्किट सही है या गलत है? हाँ सर सही है। ये सर्किट हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, तुम रीजन बताओ क्यों गलत होगा ये सर्किट बनाना? क्योंकि तुमने 1 और 2 को इसमें किसमें बोल दिया, पैरेलल में बोल दिया। पैरेलल होने के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए? क्या के क्रॉस डी बाई टू डिस्टेंस जाएंगे और 2K के क्रॉस डी बाई टू डिस्टेंस जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे सेम मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें सेम कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सर्किट जो बना वो गलत है। तो सही सर्किट क्या होगा? इसको मैं कुछ इस तरीके से तोड़ दूंगा, ये के और ऊपर वाला 3K और नीचे वाला 2K और नीचे वाला 3K। इस तरीके से मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और अब मैं बोलूँगा कि ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों है सीरीज में, और फिर पैरेलल में ये दोनों आया। क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ कि इसके अक्रॉस तो पूरा का पूरा वी पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझा। है ना, यस सर। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमें किसे सीरीज में लेना है और किसे पैरेलल में लेना है। ये के, ये 3K, ये 2K और इसे हम लोग लेंगे 3K। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो अब हमारे लिए ये इजी है, इसको अगर मैं C1 बोल लूँ, इसको C2 बोल लूँ, इसको C3 बोल लिया, इसको C4 बोल लिया, तो C1 और C2 जाएगा सीरीज में, C3 और C4 जाएगा सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। दिस इज C इक्विवेलेंट ऊपर वाले का, और नीचे वाले का कितना आ जाएगा, तो पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखो इसको कितना एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि डी बाई टू डिस्टेंस है और एरिया भी ए बाई टू है, तो सी को मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, डेट एप्सल नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाय डी बाई टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के एप्सल नॉट ए बाई डी, इसको मैं सी बोल देता हूँ। अगर इसको सी बोल दिया तो C1 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। सर एरिया ए बाय फोर होगा ना? एरिया ए बाय, हाँ, एरिया फोर ए बाय 4 नहीं होगा, ए बाय 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ एक लेंथ को आधा किया है। ध्यान से देखो, क्या एरिया ए बाय 2 है या ए बाय 4 है? बोलो। टू से ए ए बाय बाय 2 टू है ना, ए बाय डिस्टेंस को मैंने आधा करा है और एक लेंथ को आधा करा है, एरिया अभी में हमारा ए बाई टू ही होगा। C3 कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा हमारा 2C और C4 कितना हो जाएगा 3C। इसी।
अब इसका मुझे डायलेक्ट्रिक सीक्वेलेंट निकालते जाना है। ऊपर वाले का सीक्वेलेंट कितना हो जाएगा ये मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा 2 × 3, नहीं 1 है ना, 1 है कोफिशियंट, 1 इसका 1 × 3 / 1+3 ये सी विच इज इक्वल टू 3/4, 3c/4। नीचे वाले का सी इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर डैश बोल लेता हूँ तो C3 और C4 किस में जाएगा, पैरेलल में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 / 2+3 × C, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/5। समझ में आया क्या? अब ये दोनों किस में गया, पैरेलल में गया, पैरेलल अब ये दोनों गया पैरेलल में, तो पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला लगता है, सो सी इक्वेलेंट विल बी इक्वल टू इन दोनों का एडिशन 3c/4 + 6c/5, इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है क्या? में। तो ये था सबसे अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें अलग वेरिएशन भी दूँ तब भी तुम लोग कर सकते हो। अब जैसे फटाफट इस क्वेश्चन को करके बता दो, ये दो डाइलेक्ट्रिक हैं इस तरीके से, के 2 के 2 के एंड के, फाइंड सी इक्विवेलेंट, सॉल्व करो। देखो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा हमें, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको मैं ला करके रख देता हूँ। तो ये दूसरा, और फिर नीचे दो और कैपेसिटर, और ये हमारा ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं सी एज्यूम कर लेता हूँ, सी इज इक्वल्स टू है हमारा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो दिस इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, और इसको अगर मैंने सी बोल दिया तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा सी, हाँ या ना? अब ऊपर दोनों का सी इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों तो सीरीज में है तो पैरेलल अच्छा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा तुम्हारा 1 × 2 / 1+2 × C विच इज इक्वल टू 2 / 3C, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, सेम 2C/3, तो सी इक्वेलेंट कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों है पैरेलल में, सो सी इक्वेलेंट विल बी इक्वल टू 2C/3 + 2C/3 विच इज आंसर 4C/3 आ जाएगा। अच्छा तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज वेरिएबल वेरिएबल डायलेक्ट्रिक। वेरिएबल डायलेक्ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के इनसाइड डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। अब किस तरीके से वेरी कर रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। मान लो कि इस तरफ से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है, और पूरा का पूरा मीडियम से फिल कर दिया गया है, ये वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम से फिल कर दिया गया है। आई थिंक ये SCPI रूल में तो दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एक्स के फंक्शन में कुछ ऐसा दे रखा है। मैं एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेता हूँ, अल्फा इंटू एक्स
इस तरीके से हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। तो पूछा गया फाइंड सी इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग किस तरीके से निकालेंगे वो हमें बताना है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दिया गया है, और डिस्टेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का, डेट इज गिवन डी। तो तुम्हें बताना है, बताओ कितना होगा। सॉल्व करो एक बार, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, इक्वेशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मतलब कि जो मैंने के जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अज्यूम करा है, विच इज़ के अल्फा इंटू एक्स, तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ और कन्वर्ट कर लेता हूँ अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में मॉडिफाई कर लेता हूँ। प्लस ऑफ बीटा के फॉर्म में मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया। ताकि एक जनरल इक्वेशन निकले। अब तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के मैं क्या करूँगा, डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करूँगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट, ये हमारा डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट। और ये जो डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए मैं के का वैल्यू कांस्टेंट बोल सकता हूँ। के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका छोटा सा कैपेसिटेंस होगा, इसका छोटा सा कैपेसिटेंस होगा, है ना। और ये छोटा सा कैपेसिटेंस होगा कितना बोलो। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू के ए बाय एप्सिलॉन डी ए बाय डी, ये फॉर्मूला होता है। डी और क्योंकि तुमने इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा छोटा लिया है, एक्स डिस्टेंस पे जा करके तुमने क्या किया है, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया है। तो डी सी जो छोटा सा कैपेसिटेंस हो जाएगा, के का वैल्यू के ही रखूंगा मैं, एप्सिलॉन ए क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए ही रहेगा इस वाले का, और डिस्टेंस जो बनेगा वो डी एक्स बनेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे कैपेसिटर आएंगे, ऐसे ऐसे ढेर सारे कैपेसिटर आएंगे। और सारे के सारे कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? ये इतने सारे जो कैपेसिटर आएंगे सीरीज को सीरीज सारे के सारे में सीरीज में जाएंगे। और सीरीज में कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, क्या फॉर्मूला होता है ऐसे ऐसे ढेर सारे कैपेसिटर। C1 + 1 C2 हाँ, अगर इनफाइनाइट हो तो 1 by C1 + 1 by C2 + 1 by C3 + 1 by C4 अप टू सो ऑन, समेशन ऑफ 1 by C1, समेशन ऑफ 1 by C होगा। और समेशन को मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीग्रेशन में, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन 1 by DC, ये मुझे क्या देगा, सी इक्विवेलेंट। आया ना, ये समझ में आया है कि नहीं आया है कॉन्सेप्ट, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by DC। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल दो। अगर तुम इस जगह पे इंटीग्रेशन डालोगे कि DC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एप्सिलॉन ए बाई डी एक्स, पहला नंबर तो इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, दूसरा नंबर इंटीग्रेशन गलत होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे क्योंकि सभी पैरेलल में है और DC का इंटीग्रेशन करने का मतलब C1 + C2 + C3 कर रहे हो तुम, तो तुमने क्या अज्यूम कर लिया, सीरीज में नहीं करके पैरेलल में अज्यूम कर लिया, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें अज्यूम करना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by DC, DC का वैल्यू पुट कर लो, दिस इज DC। विच इज डी एक्स चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय के का वैल्यू पुट कर लो अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा इंटू एप्सल नॉट ए। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो जो जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन अल्फा नॉट इंटू
ए बाहर निकलेगा, और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा आएगा। अब बताओ इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, जीरो से लेकर के बी डी तक, जीरो से लेकर के डी तक इसका लिमिट जाएगा, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेशन नीचे करते हैं हम लोग, दिस विल बी कॉस्ट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम 0 से d, पुट कर लो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एल एन तो डी पुट कर लो पहले, अल्फा डी प्लस ऑफ बीटा, और फिर 0 पुट कर लो, माइनस में आ जाएगा एल एन ऑफ बीटा, और फिर इसको डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एल एन ऑफ अल्फा डी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। ठीक है क्या? तो ये हमारा निकला है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ अल्फा डी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, दिस इज सी इक्विवेलेंट। समझ में आया सबको? अच्छा एक चीज़ मैंने इंटीग्रेशन में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 1 बाय अल्फ़ा होगा क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो इस जगह पर अल्फ़ा आएगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा। अब तुम बोलोगे सर इसका डायमेंशन वगैरह चेक तो करो, सही नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी बाहर, सॉरी अल्फ़ा भी बाहर है, और अल्फ़ा अगर बाहर है तो उसका भी डायमेंशन तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा, और जब वो अल्फा का डायमेंशन इंक्लूड करेंगे तो सी का जो डायमेंशन है वो प्रॉपर वे में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक और इसको मैं तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा करके लाने के लिए। इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से वेरिएशन किया कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, और उसका वेरिएशन जो है वापस से इस तरीके से दे रखा है, के इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, और एक्स के जगह पे क्या है, वाई, ये एक्स नहीं है वाई है, बराबर। तो इसके लिए तुम्हें करके लेकर के आना है कि अगर इस तरीके से वेरिएशन होगा ऐसा, दिस इज वाई, दिस इज वाई, और ये डिस्टेंस तुम्हारा दे रखा है डी, और ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा, तो अज्यूम कर लेना कि ये जो लेंथ है डेट इज बी, और ये जो लेंथ है दिस इज ऑल्सो बी, तो सॉल्व करके लेकर के आना नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग करेंगे। समझ में आया? यस सर। तो इसका वेरिएशन अगर इस तरीके से हमें दिखेगा तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके लेकर आना, फिर हम लोग इसको करते हैं। चलो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, डेट इज़ ब्रेकडाउन वोल्टेज, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है कि जब ये वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो हमारा कैपेसिटर है
टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर विच इट कैन बियर। क्यों टूटेगा? अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रखूंगा तो क्यों खराब हो जाएगा कैपेसिटर, उसके बारे में समझते हैं। ऑफकोर्स खराब होगा वो तो हमें पता ही चलता है, किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम होगा। कभी ने किसी ने लगाया क्या को ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा कर दिया हो कैपेसिटर के क्रॉस? मुझे नहीं लगता है तुम लोगों ने किया होगा। मैंने करा था बहुत पहले, जब मैं 8, 9, 10th में था, तो उसी समय मैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह बनाता था, डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग तरह की चीज़ भी बनाए थे। ट्रांजिस्टर वगैरह बनाया था और थ्री फैलार्म बनाया था, अलग अलग चीज़ें बनाया था, अभी तो याद भी नहीं आ रहा है। तो उसी में हम लोग को चाहिए होता था ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो मैं मार्केट जाकर खरीद करके लेकर के आता था। तो उसी में कैपेसिटर भी लेकर के आया था, और एक बार कैपेसिटर को मैंने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर दिया था। तो जैसे ही मैंने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करा, वो पटाखे की तरह फट से आवाज़ करता है, वो मतलब बेसिकली फट जाता है ऐसा, बहुत ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो। और तो आग भी लग जाता है, फायर भी हो जाता है, जल भी जाता है, बर्न हो जाता है। तो तुम रजिस्टर में अगर बहुत ज़्यादा डाल दोगे, सपोज़ ये रजिस्टर है और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद फिर ये फायर लग जाते हैं इसमें। लेकिन अगर तुम एक कैपेसिटर लोगे और कैपेसिटर को लेकर के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये बर्स्ट हो जाएगा, आवाज़ कर जाता है। तो इसका रीज़न मैं जहाँ तक सोच के ये निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैक्ड होता है, ये कम्प्लीटली पैक्ड होता है। दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, जो भी बॉम होता है, बॉम से क्या निकालते हैं, वो पाउडर, गन पाउडर निकाल लेते हैं, और गन पाउडर निकाल करके तुम एक डब्बे में बंद कर लो, ये पूरे गन पाउडर को डब्बे में डाल दो, और डब्बे को अच्छे तरीके से टाइटली पैक करके बांध दो रस्सी से, पूरे रस्सी से अच्छे तरीके से बांध दो। और उससे एक मतलब कि जो भी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पतली सी रस्सी होती है जिसमें आग लग जाती है ना, वो एक डाल दो अंदर, ताकि तुम यहाँ पे अगर लाइट करो तो वो फायर अंदर तक जा पाए। तो ये भी एक बॉम्ब की तरह ट्रीट करेगा, और इसमें आवाज़ तुम्हें और ज़्यादा मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा गन पाउडर डब्बे में डालोगे और डब्बा जितना ज़्यादा टाइट होगा, रस्सी जितना ज़्यादा टाइट होगा, उतना ज़्यादा आवाज़ करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तुमने इसको टाइटली पैक कर दिया, क्लोज पैक हो गया, और जब ये गन पाउडर अंदर जाता है तो वो बर्न होने की कोशिश करता है। बर्न होने की कोशिश करता है तो उसका कन्वर्जन सॉलिड से डायरेक्टली गैस के फेज में होता है। तो क्या होना चाहेगा, वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। इसका एक्सपांसन इतना ज़्यादा होने की कोशिश करता है कि ये पूरा का पूरा ब्लास्ट कर जाता है, पूरा ब्लास्ट कर जाता है। ये सब करा क्या तुमने कभी? दिवाली में मैंने बहुत करे थे, है हाँ ना। तो ये इसका आवाज़ जो है और भी ज़्यादा होगा, तुम जितना ज़्यादा गन पाउडर डालोगे और जैसा मटेरियल डालोगे, जो ग्रेनेड वगैरह होता है, ग्रेनेड वगैरह क्या होता है, ये सही होता है, बस वो और ज़्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, और ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसमें नेल्स वगैरह डाल देते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े डाल देते हैं कि अगर वो आदमी पे गया तो वो पूरा का पूरा अंदर ही चुभ जाए, जख्मी हो जाना जिसको बोलते हैं, बराबर। तो तुम लोगों ने ये भी एक्सपेरिमेंट अगर करा होगा आई थिंक घर पे, एक बॉम ले लो, कोई सा भी सिंपल बॉम, और उसके ऊपर एक मग रख दो या फिर ग्लास रख दो, और उसके बाद फिर थोड़ा सा बाहर निकाल लो उसे, जिसे हम जो भी वायर क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा थ्रेड होता है ना, उसको बाहर निकालो ताकि आग लगा सके, और आग लगा करके पूरा दूर भाग जाओ। जब ये बॉम फटता है तो ये जो जो भी ग्लास रखा है या फिर मग रखा है, ये काफ़ी ऊंचा जाता है, काफ़ी ऊपर हाइट तक जाता है। तो इसको तुम करके देखना, और काफ़ी सेफ्टी से, ऐसा नहीं कि भाग गए वो तुम्हारे तरफ ही आकर के लग गया। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बुलेट फायरिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग राइफल वगैरह होता है हमारे पास, गन वगैरह होता है, तो किस तरीके से ज़्यादा रेंज तक वो कवर कर सकता है। तुम लोगों ने पिस्टन्स वगैरह सुने होंगे, उसमें 5 mm, 6 mm, 3 mm बुलेट होता है, नाम दिया जाता है 3 mm, 5 mm बुलेट था इसमें। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा अगर लेंथ होगा बुलेट का, ये बुलेट का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो बेसिकली ज़्यादा गन पाउडर यूज़ किया गया है, ये
और लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो पीछे इतना सा जो चीज़ होता है पूरा का पूरा गन पाउडर होता है, और फिर यहाँ पे फायर कराया जाता है। और क्योंकि तुमने कम्बशन कराया तो ये कम्बशन होकर के गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस को निकलने का एक ही तरीका है कि इस बुलेट को पुश करो। और इस बुलेट को पुश इतना ज़्यादा तक मिलता है कि ये बैरल होता है, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा मतलब गन पाउडर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पुश मिलेगा, और उतनी ज़्यादा उसकी मजल स्पीड होगी। मजल स्पीड का मतलब बैरल से जब वो बाहर निकलता है तो उस समय की उसकी स्पीड क्या होती है। खैर हम लोग टॉपिक से भटक गए हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कैपेसिटर को अगर तुम जलाओ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि अंदर होते हैं ये सारे केमिकल्स वगैरह, वो बर्न होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब गैस को निकलने का जगह चाहिए तो इसको पटाखे की तरह फोड़ देता है, बट इस टाइप का आवाज़ करता है। चलो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहे थे हम लोग। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में हुआ यूँ कि तुमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, और क्योंकि कोई भी कैपेसिटर है तो तुमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अप्लाई करके रखा है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। पोलर सब्सटेंसेस क्या होता है, जिसमें कि डाइपोल्स होता है। डाइपोल्स किस तरीके से बनता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण से बनता है, जैसे H2O हम लोगों ने देखा था। तो पोलर मॉलिक्यूल्स इस टाइप के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ढेर सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि तुमने वी पोटेंशियल रखा है, और इस जगह पे जीरो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्जेस होंगे और इस जगह पे एक होगा पोलर मॉलिक्यूल, है ना। ऐसे ऐसे ढेर सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इस नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू होगा क्यू इंटू ई। अब क्यू का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो ज़रूर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में, डेट इज़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी बाई डी। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वी बाय डी होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो फोर्स लग रहा होगा उस छोटे से चार्ज पे, डाइपोल पे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये फोर्सेस क्या करने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जिस पोटेंशियल पे ये टूट जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय ये कैपेसिटर हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये होगा हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऑपरेटिंग, इससे ज़्यादा हमारा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए उस पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये हमारा जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आयंस में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वो तुरंत ही चार्जेस वगैरह सेपरेट कर जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ चले जाएंगे, और सभी कुछ न्यूट्रल कर देगा, कैपेसिटर हमारा फंक्शन करना बंद कर देगा, बेकार हो जाएगा। तो दिस इज़ ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ब्रेकडाउन वोल्टेज का कारण मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदोगे तुम तो उसमें लिखा होगा कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना झेल सकता है। जैसे अगर तुम रेफ्रिजरेटर भी लोगे तो उसमें लिखा होता है कि 290 वोल्ट तक ये पोटेंशियल डिफरेंस झेल सकता है, हर एक चीज़ में लिखा होता है। बेसिकली वेरिएशन, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, हमेशा कांस्टेंट नहीं मिलता कि 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगा हमें हमेशा, नहीं, उसमें फ्लक्चुएशंस होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है काफ़ी कम भी हो सकता है। लेकिन जब तुम अच्छे अच्छे जगह पे रहोगे तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस कम होता है। जब तुम पावर जहाँ पे एक होता है जनरेशन उसके पास रहोगे तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फ्लक्चुएशंस अगर ज़्यादा होंगे तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण से वो ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमने बस कर दिया ज़्यादा, और उसमें सेफ्टी लेवल भी लिखा होता है कि इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सेम वे में अगर कैपेसिटर भी हम लोग मार्केट में जाकर के परचेज़ करते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि इसको मैक्सिमम कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक ऑपरेट करा सकते हैं। बेसिकली इसमें दो चीज़ें मेंशन किया जाता है, एक मेंशन किया जाता है
कितना कैपेसिटेंस है आपके पास, 3 माइक्रोफेरेड वगैरह लिखा होगा। तीस दूसरा चीज़ लिखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको 6 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं। और कभी कभी तीसरा चीज़ भी मेंशन कर दिया जाता है कि इसमें करंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज या फिर करंट जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये सारा चीज़ इसमें हमारा रहता है, पावर वगैरह फिर इसका मेंशन वगैरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है डेट इज 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट इसका क्या हो गया, एक सेफ्टी लेवल हो गया कि इससे ज़्यादा नहीं देना है। 6 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा ये, 220 वोल्ट पे लिखा है, मतलब 220 वोल्ट का सप्लाई पे मुझे लगाना है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें समझ में आ गया क्या। अब क्वेश्चन इस पे कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे कि दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस दे रखा है डेट इज 2 माइक्रोफेरेड, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ डेट इज 6 वोल्ट। नीचे का कैपेसिटेंस दे रखा है डेट इज 4 माइक्रोफेरेड, और मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर सकता हूँ डेट इज 3 वोल्ट। तो तुम्हें बताना है कि इस ए बी के अक्रॉस मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर सकता हूँ ताकि ये दोनों कैपेसिटर सेफ रहे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। बोलो क्या होगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि V1 मैं मैक्सिमम लगा सकता हूँ 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट तुमने ए बी के क्रॉस लगाया, अगर 6 वोल्ट लगाया तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट तो होगा, ये बियर कर लेगा, लेकिन इसके क्रॉस जब 6 वोल्ट होगा तो नीचे वाला खराब हो जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि मैक्सिमम कितना 3 वोल्ट तक बियर कर सकता है। तो इसीलिए मुझे कितना लेना चाहिए, 3 वोल्ट लेना चाहिए। अगर मैं 3 वोल्ट लूँगा तो दोनों कैपेसिटर हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ये 3 वोल्ट तक तो रह ही सकता है और ये 3 वोल्ट मैक्सिमम झेल सकता है। समझ में आया क्या। तो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर तुमसे पूछा गया कि सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे इसको, दैट इज 3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार दिया गया सीरीज में, और ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, चाहो तो कर सकते हो। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। C1 है हमारा, कितना लिया था हमने, 2 एंड 4, 2 माइक्रोफेरेड, एंड C2 है हमारा 4 माइक्रोफेरेड, एंड V2 है 3 वोल्ट। तो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है, फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें नया मेथड मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर तो पैरेलल में था, हमें डायरेक्टली दिख गया। मान लो कि मैंने इसे दोनों कैपेसिटर को, मुझे क्या निकालना है, ए बी के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है
कि कितना हो सकता है ना। तो इसको मैंने क्या कर लिया, वी से कनेक्ट कर लिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, वी बैटरी से कनेक्ट कर लिया। एग्जैक्टली सेम फैशन में करेंगे, तुम लोग भी इसी तरीके से करोगे। इसका 2 माइक्रोफेरेड है, इसका 4 माइक्रोफेरेड है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, V1, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, V2। ये वाला V1 V2 नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये अपना अलग है, तो V1 डैश और V2 डैश बोल लेता हूँ। क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, Q कॉन्स्टेंट है। तो V1 डैश इज टू V2 डैश कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 1/2 इज टू 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे इक्वेशन को, 2:1। तो V1 डैश कितना आ जाएगा, V1 डैश विल बी इक्वल्स टू 2/3 V, एंड V2 डैश कितना आ जाएगा, V2 डैश आ जाएगा 1/3 V। बराबर है क्या। अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला केस अज्यूम करना है, फर्स्ट केस, कि लेट से V1 डैश इज बेसिकली इक्वल्स टू V1। अगर V1 डैश V1 के बराबर है, तो V1 डैश का वैल्यू कितना है, 2/3 V, और V1 है कितना, V1 जो यहाँ पे था दिस वॉज 6 वोल्ट है, तुमने लिख दिया 6 वोल्ट, तो V कितना आ गया, बोलो 9 वोल्ट। अब तुमने जो 9 वोल्ट निकाला है, इससे सेटिस्फाई करो कि V2 डैश कितना आया। V2 डैश आएगा तुम्हारा V/3, V कितना, 9/3 कितना हो जाएगा, ये बोलो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट, है ना। तो तुम्हें अब ये चेक करना है, क्या V2 डैश 3 वोल्ट को झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। मैक्सिमम 3 वोल्ट तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस एक और है, केस 2। केस 2 क्या है, कि लेट अगर मैं V2 डैश को V2 के बराबर किया होता तो क्या होता, तो V2 डैश कितना हो जाता हमारा, V2 डैश 1/3 V, मतलब V/3, और ये 3 के बराबर आता, तो फिर से V कितना जाता, 9 वोल्ट ही आ जाता। तो ये क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि ये दोनों सेम आ गया, है ना, तो एक सिमेट्री वाला क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए था, अदरवाइज उसमें से एक केस होता जिसमें कि तुम सही रिजल्ट निकाल पाते, मतलब कि दोनों सेफ होता, एक केस में दोनों सेफ होता, और एक केस में एक सेफ होता और एक अनसेफ होता, ठीक है। लेट से केस 2 हमारा अनसेफ होता, तो केस 1 हमारा आंसर आता, इसका मतलब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता सिस्टम का वो 9 वोल्ट होता। समझ में आ रहा है क्या। सर, तो केस 2 में भी 9 वोल्ट ही है ना? हाँ, इस केस में सिमिलरिटी आ गई ना, मैंने क्वेश्चन ही थोड़ा उस टाइप से दे दिया था, क्योंकि इसका रेशियो देखो कुछ उस टाइप से, इसको हाफ किया उसको डबल किया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसमें अच्छे तो से मतलब नहीं नहीं कर लेते हैं ना, क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्यों डाउट में रहना है। ब्रेकडाउन वोल्टेज मैं चेंज कर लेता हूँ, C1 C2 सेम रहने देता हूँ, 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका दिया हुआ है मान लो कि 5 वोल्ट, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है मान लो कि 15 वोल्ट, ठीक है। अब निकालना है सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा AB का, तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, है ना। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर जाएगा सीरीज में, इसके क्रॉस होगा V1, इसके क्रॉस होगा V2, V1 is to V2 निकालेंगे, इट इज 2:1, सो V1 इज इक्वल्स टू
टू बाई थ्री वी, एंड वी टू इज इक्वल्स टू वी बाई थ्री। ये अब केस वन करेंगे। केस वन क्या है? केस वन में हम लोग एज्यूम करेंगे डेट वी वन इज इक्वल्स टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर वी वन को ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर माना है तो वी वन कितना? टू बाई थ्री वी, और ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका कितना है? फाइव। तो मैंने फाइव पुट कर लिया इस जगह पे, तो कितना आ जाएगा वी? वी इज इक्वल्स टू 15/2। तो फर्स्ट कैपेसिटर को अगर सेफ रहना है तो वी तुम्हें 15/2 रखना चाहिए। अब सेकेंड कैपेसिटर सेफ है कि नहीं उसको तो चेक कर ले। सो वी टू इज इक्वल्स टू वी बाई थ्री, और ये मतलब कि अगर तुमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस 15/2 रखा है तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम लोग निकालना है। तो वी कितना निकाला? 15/2। फाइव बाई टू। क्या सेकंड कैपेसिटर सेफ है? ऑफ कोर्स सेफ है ना। तो ये जो केस है हमारा, ये केस के लिए दोनों कैपेसिटर सेफ है। सो दिस विल बी द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर गलती से मैंने केस टू पहले कर लिया होता, केस टू मैंने पहले कर लिया था कि वी टू जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर है, तो वी टू का वैल्यू कितना था ऊपर? वी टू इज इक्वल्स टू वी बाई थ्री, और ब्रेकडाउन वोल्टेज है 15, तो वी बाई थ्री इज इक्वल्स टू 15। सो वी इज इक्वल्स टू 45। फाइव तो इसमें हमारा सेकेंड कैपेसिटर सेफ है, लेकिन वन वाला सेफ है कि नहीं उसको तो चेक करना है। तो वन के क्रॉस कितना आ जाएगा? 2v/3, और 2 3। थर्टी 30। क्या सेफ है क्या v1? नो ब्रेकडाउन वोल्टेज हाँ जो 1 का हो सकता है मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है। क्या सेफ है यार? हाँ बोलो, मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो सकता है? इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे 5 दे रखा है। मैक्सिमम 5 से तुम ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अगर 5 से ज़्यादा लेके गया तो वो बेकार हो जाएगा। और जब यहाँ पे हमने निकाला कि V1 कितना शेयर हो पा रहा है? 30 वोल्ट है। मतलब कि अगर तुमने एक बैटरी जो है यहाँ पे जो 45 वोल्ट का रखा, अगर तुमने इस जगह पे बैटरी 45 वोल्ट का रखा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा डेट विल बी 30 वोल्ट का आएगा। लेकिन बोल रहा है नहीं मैं तो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक ही झेल सकता हूँ, तब तो ये बेकार हो गया ना। तो ये अनसेफ है हाँ और ये सेफ है। तो ये हमारा केस टू गलत हो गया। केस टू गलत है और केस वन सही है। तो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा आ जाएगा 15/2। समझ में आया क्या? सर, वो वी इक्वल टू 45 सेफ कैसे है? ये तो सेफ है ना। ये तुमने अगर वी टू को ब्रेकडाउन वोल्टेज के क्रॉस माना तो पहले ही तुमने हाँ सेफ कर दिया ना। सर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुम लोग इस क्वेश्चन को करके लेके आना। ये सिस्टम को पैरेलल में डाल दिया एंड सीरीज में डाल दिया, और इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है तुम्हें। बराबर C1, C2, C3 एंड C4। ये C1 दिया गया है 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। C3 दिया गया है डेट इज मान लो इसको 6 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड, और दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 8 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो कि 10 वोल्ट। ठीक है, अभी सिस्टम का फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल के लेके आना। क्वेश्चन समझ में आया सबको ना? हाँ सर।
चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं डेट इज फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जाएगा तो उस मीडियम पे फोर्स कितना रहेगा, हमें ये निकालना है। तो दो तरह के केसेस बनेंगे इसमें। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या चार्ज कांस्टेंट है या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है? तो दो केसेस आ जाएंगे, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये लिखता हूँ फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम केस वन, कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज कांस्टेंट। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करके ही रखना पड़ेगा। कैपेसिटर को ऑलवेज बैटरी से कनेक्ट करके रखना है। और बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो बी पोटेंशियल डिफरेंस का एक बैटरी है, उसको मैंने ऑलवेज कनेक्ट कर रखा है। और मैंने क्या करा, धीरे 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 करके कैपेसिटर के इनसाइड एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना स्टार्ट किया। सोचो इस पे फोर्स क्यों लगेगा? ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मैंने इंसर्ट करना है स्टार्ट किया, इस पे फोर्स क्यों लगेगा, रीज़न बताओ। इस पे फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि इस तरफ होंगे पॉजिटिव चार्जेस और इस तरफ होंगे नेगेटिव चार्जेस, और जब मैं अंदर जाऊंगा तो इतने से रीज़न में नेगेटिव चार्जेस आ चुका होगा और इतने से रीज़न में पॉजिटिव चार्जेस आ गया होगा, और बाकी सभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स के कारण से ये इस पे एक फोर्स लगेगा, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तुम इसका मतलब बेसिकली अगर तुम हल्का सा भी इंसर्ट कर दोगे डायलैक्ट्रिक मीडियम तो बाकी जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है खुद ही खुद अंदर इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वो पूरा अंदर ले लेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे तो ये मोशन में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा तो मोशन में आ जाएगा। अब क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो वो फिर से वो आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा। अब फोर्स लगने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, काइंड ऑफ ऐसा। जब ये पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका है तो वेलोसिटी है, अब इसके पास फोर्स तो नहीं लगेगा लेकिन वेलोसिटी, अब क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो ये और नीचे आने लगेगा, और नीचे आने लगेगा तो डायलेक्ट्रिक मीडियम पे अब फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। और फिर ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम इस जगह तक जाएगा और वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, फिर से ये रिवर्स मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके का ऑसिलेशन करेगा ये। अब मुझे ये निकालना है कि इस पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बराबर है क्या? तो फोर्स निकालने का क्या तरीका है कि अगर मैं किसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँ, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, यस सर, है ना। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का, यही तो काम है। तो इस जगह पे मैं इसका कैपेसिटेंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूँ, डेट इज़ एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और दोनों किस में होगा, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो एक छोटा कैपेसिटर जिसमें कि सिर्फ एक्स डिस्टेंस तक, सिर्फ एक्स डिस्टेंस तक इन किया है, और एक बड़ा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल भी इन नहीं हुआ है। तो
एक्स डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक चला गया। ये है एक्स बराबर है, और बाकी ये रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग लेंथ। तो C1 एंड C2 मैं बोल लेता हूँ, इसको C1 और इसको C2 बोलता हूँ। C1 कितना आएगा बोलो, C1 कितना आ जाएगा, K एप्सिलॉन लॉर्ड। ऐसा ज़ूम कर लेते हैं, इसको मैं लेंथ ए एज्यूम करता हूँ और बी एज्यूम करता हूँ। प्लेट है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं इस लेंथ को एज्यूम कर लेता हूँ ए है, और इस लेंथ को बी एज्यूम कर लेता हूँ, डिफरेंट रहेगा बराबर। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, नाउ दिस लेंथ विल बी बी माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? तो अब C1 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना बचेगा, देखो इतना तक इंटर किया है, सिर्फ इतने तक कैपेसिटर अगर डायलेक्ट्रिक इंटर किया है, तो एरिया हो जाएगा एक्स इंटू ए। ये बात समझ में आई या ना आई? डिस्टेंस तो अभी भी डी है। C2 कितना हो अच्छा जाएगा, अच्छा एप्सिलॉन नॉट, और के तो वहां पे नहीं है ए। एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस ऑफ एक्स बाई डी, और दोनों केस में पैरेलल में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लाएंगे। सो सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 + C2, विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए डिवाइडेड बाई डी इंटू बी माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए एक्स, ऐसा ये सी इक्विवेलेंट आया। तो अब अगर ये हमारा सी इक्विवेलेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो इसमें मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट भी कर लेता हूँ, जो कि हमें आगे काम आने वाला है। डी सी इक्विवेलेंट बाय डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और अंदर जो भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये बचेगा सिर्फ ए माइनस ऑफ 1। सॉरी, यहाँ पे के लिखना था तो मैंने ए लिख दिया, ये के, क्योंकि इसके साथ के मल्टीप्लाइड है ना, तो ये के बन जाएगा के, और माइनस 1 आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसको अभी एज इट इज रहने दो, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। अब नीचे आ जाओ, तो सी इक्विवेलेंट निकल गया, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वी तो हमारा कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। अब इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर कांस्टेंट है, सी का डिफरेंशिएशन डी सी बाय डी एक्स हो जाएगा, और डी सी बाय डी एक्स मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, उसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ। विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू के माइनस 1। तो फोर्स कितना आ जाएगा, सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। माइनस तो बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो
मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा फोर्स का, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी इंटू के माइनस वन। तो तुम मुझे ये बताओ, ये जो फोर्स लिखा मैंने, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है। कॉन्स्टेंट दिस फोर्स इज कांस्टेंट, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। और ये फोर्स अगर कांस्टेंट लगेगा उस पे, तो वो किस तरह का मोशन करेगा? क्या मैं इसको SHM बोल सकता हूँ क्या? यस सर। नहीं, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा तभी वो SHM हो सकता है, लेकिन ये तो फोर्स कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ हाँ सर, तो बस मैं इतना सा बोल सकता हूँ कि हाँ, ये जो फोर्स लग रहा है डेट इज कांस्टेंट और वो ऑसिलेशन करेगा। और इस चीज़ को याद रखना, मतलब फॉर्मूले को याद नहीं मत रखना, कॉन्सेप्ट को याद रखना। सेकंड केस हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग करेंगे दोनों के बीच में अगर चार्ज को कांस्टेंट रखा, चार्ज मैंने अगर चेंज नहीं किया तो केस टू कौन सा है हमारा? इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज फिक्स्ड, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने चार्ज को क्या रखा है? फिक्स रखा है। तो देखो इस बार क्या होगा, एक कैपेसिटर है हमारे पास, और इसमें एक्स डिस्टेंस तक मैंने क्या कर दिया, एक्स लेंथ तक इंटर कर दिया है। फिर से वही काम होगा, और चार्ज इस पे कांस्टेंट है, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा और इस पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा, और इस पे नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे, और अंदर वाले पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। तो सारा काम अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ। ऊपर एक अलग कैपेसिटर, नीचे एक अलग कैपेसिटर, और तुमने एक्स डिस्टेंस यहाँ पे इन करा दिया है, ये C1 और ये C2। C1 का वैल्यू वही चीज़ होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एरिया कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ एज्यूम करा है हमने, सो दिस इज एक्स, और सारे डायमेंशन वही रखते हैं हम लोग, ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी। और सी टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बी माइनस ऑफ एक्स, के इस जगह पे आ जाएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डिवाइड बाई डी ये आ गया, और सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे। तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, उस जगह से ऊपर से कॉपी करना है हम लोग को, और डी सी बाय जो डी एक्स आया था उसे भी कॉपी कर लेंगे, एप्सिलॉन ए बाय बी माइनस ऑफ एक्स, बी माइनस ऑफ एक्स और प्लस ऑफ के एक्स, और इधर से डिफरेंशिएशन किया था इसका, सॉरी डे डी सी बाय डी एक्स। तो आ गया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के माइनस वन। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे इसमें, नेक्स्ट ये करना है कि मुझे यू लिखना है और फिर यू को डिफरेंशिएट करना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस तरीके से लिखते हैं हम लोग?
यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इस बार लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे क्यू लिखेंगे। इस बार क्यू स्क्वायर बाय टू सी लिखेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यू को इस बार कांस्टेंट रखा है, वी तो हमारा उस समय कांस्टेंट था इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर पुट करा था, लेकिन यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन फिर इसका होगा, तो इधर से डेल यू बाय डेल एक्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू तो कांस्टेंट है, 1 बाय सी का डिफरेंशिएशन, सी रेस टू पावर -1 तो क्या हो जाएगा, -1 सामने आएगा, सी रेस टू पावर -1, -1 सी रेस टू पावर -2, 1 बाय सी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 बाय सी स्क्वायर और साथ में आएगा डेल यू बाय सॉरी डेल सी बाय डेल एक्स, डेल सी बाय डेल एक्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा, तो इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सी स्क्वायर और साथ में डी सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाय डी एक्स। तो तुम मुझे ये बताओ, ये जो हमारे फोर्स निकल के आया ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल वेरिएबल है। वेरिएबल है, दिस फोर्स इज वेरिएबल है ना, मुझे बस इतना ही सही निकालना है, और फोर्स होगा कितना चाहे तो हम लोग वैल्यूज वगैरह पुट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर होगा यहाँ पे इंटू डी सी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स एप्सिलॉन ए स्मॉल ए डिवाइड बाई डी इंटू के -1। अब इस जगह पे सी इक्विवेलेंट जो है वो कितना था, ये है देखो एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी और एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो के -1 आएगा, तो सी इक्विवेलेंट जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, वो लीनियर में है, और यहाँ पे जो एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, तो ये एसएचएम भी नहीं करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी नहीं है, तो थोड़ा अलग ही रिलेशन है, तो सो यहाँ पे एफ इज वेरिएबल, बस इतना सही हमें चेक करना था कि एफ हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब क्वेश्चन में कैसे कैसे दे दिया जाता है, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि वो जो प्लेट है उस प्लेट के इनसाइड में मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया, तो बताओ कि कितने टाइम में वो पूरा का पूरा कैपेसिटर इन हो जाएगा अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर को फिक्स रखा है तो, या फिर तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल लेंगे, उससे टाइम आ जाएगा, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं, चाहे इवन ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटीज के बीच में आकर के कितनी होगी कैपेसिटर की, अगर मैं सारे अलग अलग जो भी एनर्जी डिसिपेटेशन है उसको अज्यूम ना करूँ तो, ठीक है उसको हम लोग नेगलेक्ट करें तो, क्योंकि और भी चीज़ पार्ट में एनर्जी चली जाती है जो वर्क होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था जो डायपोल्स उसको रोटेट कराने पड़ते हैं उसके कारण से वो उसमें हीट जनरेशन होता है। क्लियर है क्या? तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है आज तक यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से देखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जब स्टडी करेंगे उसमें हम लोग का आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, डेट इज़ अगर प्लेट को मैं सेपरेट कर दूँ और सेपरेट करने के बाद फिर उस पर चार्जेस वगैरह डालूँ तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस किस तरीके से होता है प्लेट में और वो किस तरीके से कैपेसिटर बनता है, ठीक है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है क्या?